हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल। स्वागत है दोस्तों आप सभी का वाईफाई एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों इस वीडियो में हम पढ़ेंगे दिल्ली का करंट अफेयर। और दोस्तों आने वाले सभी एग्ज़ाम के अंदर यह बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है दोस्तों। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उन्हें प्रिपरेशन का मौका दे दोस्तों। और अभी तक दोस्तों अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास में लगी बेल आइकन को भी दबा ले ताकि लेटेस्ट वीडियो, गवर्नमेंट जॉब आदि की अपडेट आपको मिलती रहे। चलते हैं दोस्तों अपने पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है अपना, देश का दूसरा ट्यूलिप गार्डन कहाँ बनाया जाएगा। ट्यूलिप गार्डन की बात की गई है और देश का दूसरा की बात की गई है, यह कहाँ बनाया जाएगा आपसे पूछा गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अपना सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड के अंदर देश का दूसरा ट्यूलिप गार्डन बनाया जाएगा। कहाँ पे बनाया जाएगा? उत्तराखंड। उत्तराखंड का जिला है पिथौरागढ़। कहाँ पर? पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ यहाँ पे जिला है, वहाँ पर बनाया जाएगा। और फ्रेंड्स आपको बात कर दे दूसरा यह है तो पहला कहाँ पे बनाएगा यह भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा जम्मू एवं कश्मीर। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के अंदर देश का पहला ट्यूलिप गार्डन बनाया गया था, यह ध्यान रखना है। फ्रेंड्स आपको थोड़ी बहुत जानकारी बता देते हैं उत्तराखंड के बारे में। तो फ्रेंड्स इसको स्टेटहुड की मान्यता मिली थी 9 नवंबर 2000 को। कब? 9 नवंबर 2000 को स्टेटहुड का दर्जा मिला था। कैपिटल यहाँ की देहरादून है और यहाँ पे गवर्नर है बेबी रानी मौर्या जी। कौन है? बेबी रानी मौर्या यहाँ पर गवर्नर है। और यहाँ पे सीएम है दोस्तों त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, यहाँ पर सीएम है। कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ पर सीएम है। विधानसभा के अंदर दोस्तों यहाँ पर 71 सीटें हैं, राज्यसभा के अंदर 3 सीटें हैं और लोकसभा के अंदर 5 सीटें हैं, यह भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों आज का अपना, आसियान देशों ने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारतीय उच्चायोग ने इंडिया वीक की मेज़बानी कहाँ पर की है। इंडिया वीक की मेज़बानी के बारे में आपसे पूछा गया है और इसकी मेज़बानी कहाँ पर की गई है आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पे अपना सही उत्तर हो जाएगा सिंगापुर। ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। आपसे दोस्तों पूछा जा सकता है अगर उच्चायोग से पूछे गया, भारतीय उच्चायोग ने इसकी मेज़बानी की है तो सिंगापुर के अंदर अपने उच्चायुक्त कौन है आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे अपना सही उत्तर हो जाएगा जावेद अशरफ। जावेद अशरफ जी है जो यहाँ के उच्चायुक्त है। और बात करते हैं दोस्तों दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के साथ निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इसका इनोग्रेट किया गया है, आयोजन किया गया है, आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों आपको बता देते हैं सिंगापुर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट है सेल्फन, सेल्फन रामनाथन, सेल्फन रामनाथन जी है जो यहाँ पे प्रेसिडेंट है, रामनाथन जी। और पीएम की बात करें तो ली सीपन लोंग करके प्रश्न है जो यहाँ के पीएम हैं। करेंसी दोस्तों यहाँ पर सिंगापुरी डॉलर चलती है, सिंगापुर डॉलर यहाँ पे करेंसी चलती है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अपना, ट्रेन 18 का नाम बदलकर क्या रखा गया है। ट्रेन 18 का नया नाम क्या रखा गया है आपसे पूछा गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अपना सही उत्तर है वंदे भारत एक्सप्रेस। क्या नाम रखा गया है? वंदे भारत एक्सप्रेस इसका नाम रखा गया है। कहाँ से कहाँ तक चलती चलेगी दोस्तों? तो यह दिल्ली से वाराणसी होते हुए भोपाल तक चलेगी, जो कि अपनी शताब्दी एक्सप्रेस थी उसकी जगह लेगी। दोस्तों इस ट्रेन का निर्माण कहाँ किया गया है आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मॉडर्न कोच फैक्ट्री। मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहाँ पर है? रायबरेली। मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली के अंदर इसका निर्माण किया गया है। और जानकारी आपको होनी चाहिए फ्रेंड्स कि यह देश की प्रथम इंजन रहित ट्रेन है। कौन सी है? इंजन रहित, प्रथम इंजन रहित ट्रेन है देश की, तो यह आपको पता होना चाहिए। और अपने रेल मंत्री कौन है? तो अपने पीयूष गोयल जी रेल मंत्री है, जिसके पास वित्त मंत्रालय का भी एडिशनल चार्जेस है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों आज का अपना, पाके पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य ने अपना राज्य महोत्सव घोषित किया है। पाके पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल की बात की गई है, इसको किस राज्य ने अपना राज्य महोत्सव घोषित किया है आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें से बताना है इस यह राज्य महोत्सव किस राज्य ने घोषित किया है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश ने इसे राज्य महोत्सव घोषित किया है।
अरुणाचल प्रदेश की राजधानी दोस्तों आपको पता ही होगी, ईटानगर यहाँ की राजधानी है। कहाँ पर है? ईटानगर राजधानी है और इसका गठन हुआ था 20 फरवरी 1987 को इसका गठन हुआ था। यहाँ पे गवर्नर है बी डी मिश्रा। बी डी मिश्रा जी यहाँ पर गवर्नर है, यह आपको ध्यान रखना है। और सीएम है यहाँ पर पेमा खांडू। पेमा खांडू जी यहाँ पर सीएम है दोस्तों। राज्यसभा के अंदर यहाँ पर एक सीट है और लोकसभा के अंदर यहाँ पर दो सीट है और विधानसभा के अंदर यहाँ पर 16 सीटें हैं, 60 सीटें हैं। यह आपको स्टैटिक जीके के तौर पर याद रखना है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आज का अपना, निम्न में से किस एयरलाइन ने अपने विमानों में गांधी जी का लोगो लगाने का फैसला किया है? किस एयरलाइन ने यह फैसला किया है कि वो अपने विमानों में गांधी जी का लोगो लगाएंगे, यह आपको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ अपना सही उत्तर तो हो जाएगा सी, एयर इंडिया ने यह फैसला किया है। आपको ध्यान रखना है एयर इंडिया के अब फाउंडेड कब हुआ था यह आपको बताना है दोस्तों। तो 15 अक्टूबर 1932 को इसका फाउंडेड किया गया था, इसे एट टाटा एयरलाइंस के तहत। और फ्रेंड्स आपको बता दें फाउंडर कौन थे इसके, तो JRD टाटा इसके फाउंडर थे। कौन थे? JRD टाटा। फ्रेंड्स इसके MD एंड CEO पूछा जा सकता है, रिसेंटली न्यूज़ में है तो अवश्य पूछा जाएगा। तो इनके MD एंड CEO है प्रदीप खारोला। प्रदीप खारोला है जो इनके MD एंड CEO है, आपको ध्यान रखना है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ऑस्ट्रेलियाई ओपन का पुरुष वर्ग का एकल खिताब किसने जीता है? एकल वर्ग में पूछे गए हैं पुरुष वर्ग का ऑस्ट्रेलियाई ओपन किसने जीता है, आपको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अपना सही उत्तर है नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच ने यह खिताब जीता है। वर्ल्ड के नंबर 1 प्लेयर है, यह आपको ध्यान रखना है रैंकिंग के अनुसार। और फ्रेंड्स दूसरा नंबर आता है राफेल नडाल का, इसको इन्होंने हराया था। नोवाक जोकोविच ने राफेल नडाल को हरा कर यह खिताब जीता है। फ्रेंड्स यह है इनका 7वां ऑस्ट्रेलियाई ओपन खिताब जीता है इन्होंने 7वीं बार, और इनका 15वां ग्रैंड स्लैम खिताब था, यह आपको ध्यान रखना है। कौन सा था? 15वां ग्रैंड स्लैम था और 7वां ऑस्ट्रेलियाई ओपन था, आपको इसके बारे में ध्यान होना चाहिए। और बात बता दें आपको दोस्तों कि रोजर फेडरर है, इन्होंने सर्वाधिक 20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं, जो पहले नंबर पे हैं। और दूसरे पे नंबर आता है राफेल नडाल का, इन्होंने टोटल 16 जीता है ग्रैंड स्लैम। और तीसरा नंबर आता है नोवाक जोकोविच का, जिन्होंने 15 खिताब जीते हैं। और बात करते हैं दोस्तों रोजर फेडरर और रॉय इमर्सन की। तो रोजर फेडरर और रॉय इमर्सन, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया ओपन सर्वाधिक पहले 6 बार जीता हुआ था, अब सर्वाधिक बार 7 बार इन्होंने जीत लिया है नोवाक जोकोविच ने। और महिला वर्ग का आपको पता ही होगा दोस्तों, नाओमी ओसाका ने जीता था। किसने जीता था? नाओमी ओसाका ने, इसके बारे में हम कल बात कर चुके हैं। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आज का अपना, इंडोनेशियाई मास्टर खिताब किसने जीता है? इंडोनेशियाई मास्टर खिताब की बात की गई है, यह किसने जीता है? तो यहाँ पे अपना सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों साइना नेहवाल। साइना नेहवाल ने यह खिताब जीता है, कैरोलिना मारिन को हराकर यह खिताब जीता है, आपको ध्यान रखना है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आज का अपना, बोरन टू रन हाफ मैराथन का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? बोरन टू रन हाफ मैराथन की बात की गई है, उसका पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है, आपको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अपना सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली। नई दिल्ली के अंदर इसका पहला संस्करण का आयोजन किया गया है, आपको ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स इसका विजेता के बारे में भी आपको बता देते हैं। तो इसका पुरुष वर्ग के अंदर विजेता रहे थे प्रदीप करके प्रश्न है, जो यहाँ पे विजेता रहे थे। और महिला वर्ग के अंदर रीना जी, रीना नाम था, नीना नाम के करके हैं, उन्होंने जीता है। आपको बस यह ध्यान रखना है बोरन टू रन हाफ मैराथन का पहला संस्करण कहाँ हुआ, तो नई दिल्ली के अंदर। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आज का अपना, कहाँ पर नरेंद्र मोदी ने 27 जनवरी को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का शिलान्यास किया है? नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की शिलान्यास किया गया है, कहाँ पर इसका शिलान्यास किया गया है, यह आपको बताना है। किसने किया है यह भी पूछा जा सकता है, अगर आपसे पूछे मान लो इसका उत्तर बिल्कुल सही आपका हो जाएगा मदुरई, ऐसा भी पूछा जा सकता है। मदुरई के अंदर एम्स का
शिलान्यास किसने किया है? तो नरेंद्र मोदी जी, अपना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मदुरई कहाँ पर है दोस्तों? आपको पता ही होगा, तमिलनाडु के अंदर है। और फ्रेंड्स आपको पता होगा कि मीनाक्षी मंदिर है, जो कि यहाँ पर बहुत ही फेमस टेम्पल है, मीनाक्षी मंदिर। और फ्रेंड्स मदुरई को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। इसके अन्य नाम के अंदर आता है दोस्तों कुडलमानकर, तुगा नगर और पूरो का एथेंस। फेमस नाम है पूरो का एथेंस, किसे कहा जाता है आपसे पूछा जा सकता है, तो मदुरई को कहा जाता है। यह किस नदी के किनारे है? तो वेगई नदी है, उसके किनारे स्थित है, आपको ध्यान रखना है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आज का अपना, हाल ही में इवेंट पैटफिल ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, वह किस देश के हैं? किस देश से थे दोस्तों आपको बताना है। इवेंट पैटफील्ड क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, आपको बताना है किस देश के थे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सही उत्तर है न्यूजीलैंड, यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा न्यूजीलैंड। इन्होंने 68 वर्ष की उम्र हो चुकी है, तब जाके इन्होंने अब संन्यास लिया है। फ्रेंड्स न्यूजीलैंड की बात करते हैं तो न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन। कहाँ पर है? वेलिंगटन। वेलिंगटन न्यूजीलैंड की कैपिटल है। यहाँ पे पीएम कौन है? तो एडन करके है जो यहाँ के पीएम है, जैकिंडा एडन है, तो आपको याद रखना है एडन, आपको याद रखना है यहाँ के पीएम है। करेंसी आपको यह पता होना चाहिए दोस्तों, तो न्यूजीलैंड के अंदर न्यूजीलैंड की डॉलर चलती है। और ईज ऑफ डूइंग इंडेक्स है दोस्तों, तो उसके अंदर इसकी फर्स्ट रैंकिंग है। और इसमें ईज ऑफ डूइंग में भारत की रैंकिंग है 77 और फर्स्ट पे आता है न्यूजीलैंड का नंबर, आपको ध्यान रखना है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पे अपना आज का, लड़ाकू ड्रोन आरोप भारत किस देश से खरीदेगा? ड्रोन आरोप की बात की गई है, यह किस देश से खरीदेगा आपको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अपना सही उत्तर हो जाएगा इज़राइल। इज़राइल से यह खरीदेगा, आपको ध्यान रखना है। कितने खरीदेगा दोस्तों? तो इसकी संख्या 15 बताई जा रही है जो कि इसे खरीदेगा। 200 के करीब दोस्तों अपने पास वर्तमान में ड्रोन है भारत में, जो कि अपने सीमा पर नज़र रखते हैं। और इसको कहाँ पर तैनात किया जाएगा आरोप को? तो फ्रेंड्स यह चीन और पाकिस्तान की सेना पर तैनात किया जाएगा। अन्य ड्रोन के अंदर अगर बात करें अपने, तो अपना सर्चर है, आपको ध्यान रखना है अन्य नाम, तो सर्चर है जो कि पश्चिमी सीमा पर तैनात है अपने पाकिस्तानी सीमा पर। हेरोन एक नाम है, बहुत ही फेमस नाम है, उसके बारे में बता देते हैं। एक और है रुस्तम, कौन सा है? रुस्तम। रुस्तम के अंदर आता है 1 रुस्तम, रुस्तम 2, रुस्तम, आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। तो यह कहाँ से निर्मित किया गया है इसके बारे में पूछा जा सकता है, तो यह स्वदेशी निर्मित है दोस्तों रुस्तम, इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये रुस्तम। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अपना, भारत ने 70वें गणतंत्र दिवस पर किस देश को 30 एम्बुलेंस स्वेच्छा बसें उपहार स्वरूप दी है? 70वें गणतंत्र दिवस की बात की गई है, इस पर 30 एम्बुलेंस स्वेच्छा बसें किसे उपहार दी है यह आपको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अपना सही उत्तर है नेपाल। नेपाल को इन्होंने दी है 6 बसें और 30 एम्बुलेंस। नेपाल में भारतीय राजदूत की बात अपन को पता होना चाहिए, तो कौन है वहाँ पर? मंजीव सिंह है पुरी। कौन है? मंजीव सिंह पुरी है, जो यहाँ पर अपने राजदूत हैं नेपाल के अंदर। ये रिसेंटली नियुक्त किए गए थे दोस्तों, आपको पता होगा। और अभी वहाँ पर अगर अपना यहाँ पर 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाया गया, तो वहाँ पर तिरंगा लहराया था इन्होंने, मंजीव सिंह पुरी ने, आपको ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स आपको बता दें नेपाल के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी, तो नेपाल फ्रेंड्स विश्व का प्रतिशत आधार पर सबसे बड़ा हिंदू धर्मावलंबी राष्ट्र है, आपको इसका ध्यान रखना है। और कैपिटल दोस्तों यहाँ की काठमांडू है, काठमांडू यहाँ की कैपिटल है। यहाँ के राष्ट्रपति है विद्या देवी भंडारी यहाँ की राष्ट्रपति है। पीएम की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर पीएम है खड़गा प्रसाद ओली। ओली जी आपको ध्यान रखना है, खड़गा प्रसाद ओली यहाँ पर पीएम है। करेंसी दोस्तों यहाँ पर रुपया चलती है। चीफ जस्टिस की बात करें दोस्तों यहाँ पर, तो चोलेंद्र शमशेर राणा रिसेंटली नियुक्त किए गए थे, आपको कुछ दिन पहले मैंने बताया भी था, तो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे करंटली जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, वो कब से लागू हुआ था? तो वो हुआ था 20 सितंबर 2015 को ही लागू हुआ था, यह बात आपको ध्यान रखनी है।
तो फ्रेंड्स यह था आज का अपना महत्वपूर्ण करंट अफेयर सेशन। उम्मीद है आपको सब कुछ पसंद आया होगा। अच्छा लगे दोस्तों अगर वीडियो आपको, तो लाइक ज़रूर करें दोस्तों, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इसे, उन्हें भी प्रिपरेशन करने का मौका दे दोस्तों। चैनल को अभी तक आपने अगर दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और PDF के लिए दोस्तों डिस्कस में लिंक दी गई है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।